हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक पता है ना क्या है हमारा? नहीं याद आ रहा? चलिए बताता हूँ अभी क्या है हमारा टॉपिक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? इसको सीखते हैं 1 से 30 तक, ठीक है ना? चलिए, तो फार्मूला याद होगा ना? लिख देता हूँ मैं। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। यहीं तक हमें काम का है, यहीं तक रखते हैं। आगे का लिखा हुआ आपके पास है, वो अपना देख लेना, ठीक है ना? आपको पता है एस में 2, पी में 6 और डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है ना? इससे कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला कौन आता है? साथ में लेते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। समझिए ध्यान से, सभी के परमाणु क्रमांक लिखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, पहली 1s इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं इसमें? 2। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो 2 में हम 1 इसमें भरेंगे, कम भरे हैं, ज्यादा नहीं भरे। मैंने कम कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं। अब देखिए, पहली कक्षा में 1s2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं? यहाँ पर भी 2 हैं, भर सकता हूँ मैं 2, छोड़ दीजिए। 1s2, फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 में से कितने भरे? 2। कितने बचे? 1। अगला क्या है देखो यहाँ, 2s। तो 2s और 3 में से 2 भर दिए, कितना बचा? 1। इलेक्ट्रॉन को कहाँ भरना है? ऊपर। और ये आगे क्या है? कोस। अगला देखिए, 1s2, फिर 1s के बाद में क्या है? यहाँ देखो 2s, तो 2s, 4 में से 2 भर दिए, 2 बचे, 2 भर दिए। अब इस पे आ जाओ, 1s2, 5 में से 2 भर दिए, अभी 3 बचे हैं, फिर 2 भर दिए। तो 2 यहाँ भरे, 2 यहाँ भरे, 2 और 2 4, 1 बचा अभी। तो s के बाद 2s के बाद क्या है? 2p। तो 2p, 4 भरे थे, 5 में से 1 बचा, 1 यहाँ भर दीजिए। फिर इसमें देखिए, 1s2, 2s2, 6 में से 2 यहाँ, 2 यहाँ, 4 हुए। अब 2p में 6 में से 4 भर दिए, 2 बचे, 2 यहाँ भरिए। 7, 1s2, 2s2, 2p, चेक करो, 2 और 2 4, 4 भर दिए, 7 में से कितने बचे? 3। कंप्लीट। आगे देखिए, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। चलिए शुरू कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s कितना है? 2। फिर क्या आता है? 2s कितना? 2। फिर क्या आता है? 2p। आप चाहें तो 6 भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2, 2, 4, 4, 10, 10 हो चुके हैं, कितने भरने? 8। तो देखिए, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 4 हुए। अब यहाँ पे कितना भरना है? 4 तो भर चुके हैं, 8 में से 4 भर चुके हैं, कितना बचा? 4 बचा, यहाँ कर दीजिए 4। ऐसे 1s2,
2s2। अब देखो 2p, दो और दो चार, चार भर दिए, नौ में से कितने बचे? पांच। 1s2, 2s2, 2p। देखो दो यहां भर दिए, दो यहां भर दिए, चार भर चुके हैं, 10 में से 6 बचे हैं। यहां देखो 1s2, 2s2, 2p, 11 है, चार भरे, 6 यहां भर दीजिए, 6 2 8 2 10, 10 हो चुके हैं, अभी एक बचा हुआ है। अगला देखो कॉस क्या है, 2p के बाद में 3s, 3s, 11 में से 10 भरे, कितना हुआ? एक। अगला देखो 1s2, 2s2, 2p6, यहां तक 10 हुए, यहां तक कितने होते हैं? 10, नोट कर लो इतना, यहां तक 10। अब ये 10 किसका है? नियान का, यहां ये इतना नियान हो चुका है। अब अगर मैं नियान लिख दूं तो भी समझ, गलत समझ ना, यही चीज लिखनी है आपको है। अब देखिए 3s, अब यहां देखिए 10 भर चुका हूं, 12 में से 10 भर चुका हूं, कितने बचे? दो। ये तो नियान वाला हो गया, 10 तक यहीं तक भर लो, ये लीजिए 10 तक हो गया। फिर 3s2 भी हो गया, तो 10 और 2 कितना हुआ? 12। कितना था? 13, एक कम पड़ रहा है, तो किस में जाएगा? p में। p क्या है? 3p1 हो गया। फिर इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहां तक भर लो, इतना 10 और ये 2 12, तो कितने बचे? 14 में से 12 भर गए, दो बचे, दो यहां भर दो, 3p2 हो गया। अब आगे देखो फास्फोरस 15 करो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहां तक कितना था? 12 हो चुका है, 12 में से 15 में से 12 भर दिए, कितने बचे? 3, 3p कितना होगा? 3, 12 और 3 15, हो गया। चलो अब आइए आगे, सल्फर 16, 17, 18, 19, 20, हो गया। चलिए करिए, वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3। देख लो यहां तक हमारा कितना था, यहां तक हमारा 12, और 16 में से 12 दिए भर, तो यहां कितने बचे? चार, भर दीजिए चार, हो गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, यहां तक कितना था? 12, 12 भर दिए, 17 में से कितने बचे? पांच। देखो पी में 6 रहते हैं, 5 है, कम ही कर रहा हूं, ज्यादा नहीं कर रहा हूं। आगे देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 18 में से कितने भर दिए? 12 भर दिए, कितने बचे? 6, 6 यहां लगा दीजिए, ठीक है ना। अगला देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब यहां तक चेक करिए कितना हो गया? 18, यहां तक हमारा 18 हो चुका है। अब अगला क्या है? 18 में देखिए 19 था, 18 हुआ है, अगला किसमें? 4s, 4s1 हो गया, 18 और 1 19। आगे देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक 18 हुआ। अब 20 कितना बचा? दो यहां भर दीजिए, हो गया 20 तक, हो गया ना, नोट कर लीजिए इसको, फिर इसको मिटा दें। नोट कर लीजिए इसको, फिर मिटा दें इसको। अब
चलिए डर है ठीक। देखो बीस तक हो गए था, आगे देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26। यहाँ देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या था 4s2। यहाँ तक पूरा हो गया था। क्या था उसके बाद में, यहाँ तक हमें पता है ना क्या था हमारा, यहाँ था 20 और कितने जाएगा आपकी बार 3d1 में, ठीक है। फिर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। यहाँ तक 20 हो जाता है। कितना बचा 20 में से, 22 में से 20 भर दिया, दो बचा 3d2। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। कितना रहता है यहाँ पर 20, तो 23 में से 20 भर दे कितना बचा, तीन बचा, तीन यहाँ भर दीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d। यहाँ तक देखो कितना हो गया हमारा, यहाँ तक हमारा 20 हो गया, कितना बचा 24 में से 4 बचा। और आपको पता होगा कि जो क्रोमियम है वो हमारा अपवाद है, अपवाद है। तो क्या होता है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3d5, ये हो जाता है। अब ये क्यों होता है इसको समझिए ध्यान से, 4s और 3d, आप जानते हैं कि ये 4s में दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक कक्षा, और d में आपकी पांच कक्षाएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें इलेक्ट्रॉन थे 4, 1, 2, 3, 4। तो ये जो स्थित होती है क्रोमियम की, ये कम स्थाई है। और सब लोग क्या चाहते हैं, अधिक स्थाई, अधिक स्थाई। देखिए आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करने के बाद में एक ऐसी जॉब चाहते हो जिसमें आप स्टेबल हो अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है, हमें स्टेबल होना है और वो भी लंबे समय तक, अधिक स्थायी होना है। और यहाँ पर ये जो कंडीशन है क्रोमियम की वो कम स्थायी होती है, इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके जो है यहाँ पहुँच जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी आधा भरा हुआ है और ये भी आधा भरा हुआ है, और जो अर्ध भरे हुए जो कक्षक होते हैं, जो कक्षक होते हैं वो अधिक स्थायी माने जाते हैं, वो अधिक स्थायी माने जाते हैं। तो ये अधिक स्थायी है किसकी तुलना में, जो भी मैंने बनाया था इसकी तुलना में, इसकी तुलना में इसकी तुलना में ये अधिक स्थायी है। इसमें भी एक आधा, इसमें भी आधा, इसलिए ये अधिक स्थायी है। क्लियर हो गया। चलिए तो यहां पर अर्ध भरे कक्षक, या नोट कर लेना दिमाग में, या पूर्ण भरे कक्षक, ये अधिक स्थायी होते हैं इनकी तुलना में, ठीक है ना, इनकी तुलना में ये अधिक स्थायी होते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्रोमियम
इलेक्ट्रॉन या जो 4s का है इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ 3d में पहुंच जाता है। चलिए आगे देखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 3p6, आगे क्या है, 3p6, 4s, अब क्या आएगा देखो, 4s2 यहां तक 20 हो जाता है, कितना बचा, 25 में से 20 हो गया, 5 बचा। आगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहां तक 20, कितना बचा, 6 हो गया। चलिए आगे देखिए, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। चलिए करते हैं इनको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है। चलिए देखिए, याद ध्यान देना, यहां तक 20 हो गया, क्या बचा, 7। 20 तो भर दिया ना यहां तक हमने, यहां तक ये 20 हो गया ये, ठीक है। आगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहां तक 20 हो गया है, 3d, ठीक है। आगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, यहां तक 20, तो यहां पे 9। तो मैंने क्या कहा, ये अपवाद है हमारा, ये हमारा अपवाद है, कापर 29 अपवाद है। तो क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, और ये वाली स्थिति जो है कापर की अधिक स्थायी है, इसीलिए जो है कापर इस स्थिति में रहना चाहता है, स्थायी अधिक है ना, इसीलिए। अब इसको बनाइए, देखिए डी कक्षक जो है पूरी फिल है और ये आधी है, ये पूर्ण भरा है अधिक स्थायी, और ये आधा भरा है अधिक स्थायी, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ करिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, चेक कर लो, यहां तक 20 और d में 10 जाएंगे, क्योंकि यहां तक 20 हो चुका है, d में 10, ठीक है ना। जिंक तक हो गया, जिंक के अगर आगे करना चाहो तो आप आगे करके दिखाना मुझे, और कोई भी समस्या हो तो पूछ लेना, ठीक है ना। इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए, फिर आगे हम तुम बात करते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। लिख लीजिए, लिया, चलिए नोट कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से, फिर आगे हम चंदू बात करेंगे, ठीक है ना। हो गया, चलिए डाले, चलिए इलेक्ट्रॉनिक न्यास हो गया, क्लियर है ना। ठीक, अब हम धनायनों तथा
ऋणायनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। किसका? धनायन या ऋणायन का। तो धनायन या ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं देखना, समझना इसको अच्छे से। टाइम देख लूं कितना हो गया है। तो धनायनों था ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझिए जो मैं समझा रहा हूं। देखिए मान लीजिए H, तो एक पढ़ चुके हो 1s1, ठीक है। इसको मैं यहां से बताता हूं, देखो Na 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी करा चुका हूं, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है। अब करना क्या है कि कभी कभी आपको मिला लिखे लिखा मिलेगा Na+, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोचिए, देखिए, समझिए, सबसे ध्यान समझिए। Na कितना था? 11। प्लस प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन दान करना, किसी को दे देना। तो जितने प्लस उतने इलेक्ट्रॉन दान किए, कितने प्लस? एक एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। दान कर दिया मतलब कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन दान करेगा? जो इसके पास एक्स्ट्रा होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? बाह्य कोश में। तो इसका बाह्य कोश कौन सा? ये। तो इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो 1s2, 2s2, 2p6, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन जो था उसने दान कर दिया, तो क्या बचा? 3s। आप इसके लिखे या ना लिखे वो आप पे डिपेंड है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। क्लियर? क्लियर बात है ना। जैसे आ जाए Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कैसे लिखोगे Mg2+ का? सबसे पहले Mg कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बाह्य कोष या संयोजी कोष, ठीक है। तो इसने क्या बोला करने के लिए? Mg2+, मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन दान कर दिए। कहां से दान करेगा? लास्ट सेल से, मतलब यहां से इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो दो इलेक्ट्रॉन चले गए, तो क्या बचा? जीरो बचा, 3s0। अगर आप चाहें तो इसको ना लिखें, इतना लिख के छोड़ दें। Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6, 2, 8, 2, 10 हो गया। ऐसे अगर माइनस का आ जाए, O2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, O2- का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझिए। वो मतलब ऑक्सीजन, 1s2, 2s2 और 2p4, ठीक है। तो 2p4 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले समझो, ध्यान सुनना। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, मतलब इलेक्ट्रॉन लेना,
इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन लिए तो कितने लिए, जितने माइनस, कितने माइनस हैं, दो माइनस, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, तो दो इलेक्ट्रॉन लिए तो उसने अपने पास रखे ना, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो रखेंगे कहाँ, वो भी हम कहाँ रखेंगे, बाह्य कोष में। और ये तो हमारी कक्षाएं भरी हुई हैं, और जो कक्षा खाली है, मतलब जो भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे कोई पैसे देगा, इस जेब में पूरी जेब भरी हुई, इस जेब पूरी जेब भरी, यह भी जेब भरी हुई, पीछे वाली एक जेब खाली हुई है, तो इसी में रखूंगा ना पैसे, या पर्स है मेरे पास, पर्स में चार जेब हैं, तो जो जेब खाली होगी उसमें पैसे रखूंगा, बाकी जो भरी हुई है उसमें थोड़ा रखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन रखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा ओ टू माइनस, इसको दो इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब कितना हुआ, आठ और दो दस, तो दस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p, कितने, चार दो छह दो आठ, दो इलेक्ट्रॉन मिले, दो इलेक्ट्रॉन मिले तो कितना हुआ, छह, 2p6, ये ओ टू माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, क्लियर है ना, हो गया ना। ऐसे ही आगे देखिए और दिखाता हूं आपको, समझिए, जैसे कि हमसे हमारे पास में आ गया Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले Fe का लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d, कितना आएगा चेक कर लो, यहां तक आपका 20 और यहां पे आपके 6। तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन बाह्य कोष से जाते हैं, तो बाह्य कोष यहां पे कौन है, ये या ये, यहीं पे गलती करोगे, समझना, हमारा ये वाला बाह्य कोष है भाई, तीन उसके बाद में चार, तो ये बाह्य कोष है बेटा, याद रखना, ये D3D अंदर है, ये बाहर है, ऊर्जा के कारण ये पहले ये बाद में, लेकिन बाह्य कोष ये नहीं है, बाह्य कोष ये है, ये दिमाग में रखना अपना। क्या लिखा था, Fe2+, दो इलेक्ट्रॉन कम हुए मतलब 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक मैं तो कुछ करना ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा इसमें से, क्योंकि ये बाह्य कोष है, कितने इलेक्ट्रॉन, दो दान किए, 4s0 3d6 हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि Fe3+, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब समझिए, यहां पे यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके बाह्य कोष से, अब तो इलेक्ट्रॉन इसमें बचे नहीं, अब इसके बाद में 3d आएगा, 4s के बाद में 3d आएगा, देखिए अगर इसको क्रम से लिखूं तो 3d6 और 4s0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन यहां जा चुके, इसके बाद में क्या है, 3d, तो यहां से अब ये बाह्य कोष माना जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 3d6 था, कितने बचेंगे, 5 बचेगा, और 4s क्या था, 0, क्लियर। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तब Fe3+ मतलब कितना हुआ, तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए, 26 था, कितना बचा, 23, 23 का इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही जो है आपको करने, अपने आप ढूंढ लेना, पता है कि नहीं पता है देख लेना, जैसे कि Cu1+ होता है, Cu2+ होता है, Zn2+ होता है, Cr3+, ठीक है, Al3+, N3-, P3-, Cl-, ठीक है, और कैल्शियम 2+, वेनेडियम 2+, टाइटेनियम 2+, ठीक है ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाना, सेंड करना होमवर्क, धन्यवाद।